बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाब प्रॉपर्टी। तो आज का जो मेरा प्लान है वो सुई गैस फेज टू जो बहरे टोन के साथ लगती है और उसके साथ न्यू लाहौर सिटी भी लगता है, उसका विजिट करने का है। तो आपको भी साथ विजिट कराता हूँ सुई गैस फेज टू का। बहुत ही जबरदस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी है और चलते हैं आज का, करते हैं व्लॉग स्टार्ट। अभी इस टाइम मैं हूँ, ये मैं अड्डा प्लॉट से आया हूँ, अड्डा प्लॉट की तरफ से। तो जाती उम्रा से के साथ ही बिल्कुल जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड का मेन गेट है इस तरफ। ये सोसाइटियां क्रॉस करो, मैं आप जाती उम्रा की तरफ से आते हो ना, तो ये जो रोड जा रहा है तो इसके इस तरफ जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड है और इसके ऑपोजिट जो है वो सुई गैस फेज टू का मेन एंट्रेंस है। बहरिया टाउन से भी इसकी एंट्रेंस है, लेकिन जो मेन जिसको एंट्रेंस कहते हैं वो एंट्रेंस इस तरफ से है। तो मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ से टर्न करता हूँ, जैसे टर्न करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप साथ एरिया देख रहे हो ये नर्सरी है और यहाँ पे काफ़ी ये फार्म हाउस है और सोसाइटियाँ भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, लोगों ने ये एक्वायर की हुई है, जिन लोगों ने ये ली है उनके लिए जो है ज़बरदस्त ही है। और इसके जो ऑपोजिट है जिधर मैंने टर्न करना है ये इधर है और सोसाइटियाँ भी हैं जिनका विजिट भी करेंगे, लेकिन हम आज का जो हमारा टारगेट है वो सुई गैस फेज टू का है। तो सुई गैस फेज टू में कनाल के प्लॉट हैं, मिनिमम एक कनाल दो कनाल आई थिंक है और शायद एक दो कनाल या चार कनाल भी होंगे। कमर्शियल प्लॉट भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो कनाल के प्लॉट हैं। शरीफ मेडिकल सिटी रोड ये अभी यहां से मैं क्रॉस की है। और ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं कहीं मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्रीकल्चर जो ज़रई लैंड भी पड़ी, प्राइवेट लैंड जैसे बोलते हैं, प्राइवेट लैंड काफी ज्यादा इधर है। और ये जी आ गया है लोकेशन, मैं आपको फिर एक दफा बता दूं, अगर आप अड्डा प्लॉट से आते हैं तो आपने इस रोड के ऊपर जाती अमरा जो है जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स वाले रोड की तरफ आना है। फिर आपको आगे से दिखा देता हूँ जहाँ से आपने टर्न लेनी है, यानी यू टर्न लेना है। यू टर्न लेके हमने दूसरी रोड पे जाना है, बस अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा मैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप साथ एंटरटेन करेंगे साथ जो चीज़ें हैं। और ये आ गया है जी इससे जैसे ही जाती हुई ये उमरा है ना, इसके साथ ही जो है बहरिया ऑर्चर्ड का एंट्रेंस है जो मेन है आगे से। तो ये जी इस तरफ मेरे बिल्कुल अपोजिट ये गुजर गई है सुई गैस फेज टू, लेकिन मैं अभी ये जलमी हाउस आ गया, मैंने जो है वो यहाँ से यू टर्न लेना है तो फिर वापस जाऊँगा। ये शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स और इसके अपोजिट जाती उमरा नवाज शरीफ हाउस जैसे जो है ये देख लीजिए करें, और इसके साथ ही आगे थोड़ा सा करेंगे ये तो फिर आपका वो जो मैंने बताया बहरिया ऑर्चर्ड का मेन एंट्रेंस है। और इसके इधर टर्न मार्क करेंगे तो ये जो मैंने आपको बताई है कि शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स, और ये पीछे से रोड एक तो न्यू लाहौर सिटी के बता दूं, ये रोड जो है पीछे से सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट रोड उस तरफ से आ रही है और वो सुंदर रोड जो है जो मेन मुल्तान रोड हाईवे को लगती है और उसकी उसी रोड के ऊपर न्यू लाहौर सिटी हाउसिंग सोसाइटी का गेट भी है। और अभी मैंने टर्न लिया है, रास्ते में आपको यहाँ पे इस तरफ से मैं दिखा दूं कि ऑपोजिट जो है ये जलमी हाउस के ऑपोजिट जो है इसकी मेन एंट्रेंस है सुई गैस फेज टू के। मेन के ऊपर डीलर हजरात जो है ये मेन के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी करते हैं लेकिन ज्यादातर जो है ये लोग इसको डील करते हैं। ये जी ये लोकेशन जरा याद रखे, इसके आपने ऑपोजिट टर्न करना है और ये आ गया जी इसकी मेन जो है, मैं आपको दिखा दूँ ये एंट्रेंस है जी सुई गैस को लगा बोर्ड है, ये आप चेक करें यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ से ये जी मैंने टर्न कर लिया गाड़ी, ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ पे ऑफिस लोग बैठे हैं, ऑफिस वाले। काफी बढ़िया एंट्रेंस बनाई हुई है, कमर्शियल लाइन लगती है मेन के ऊपर, आई थिंक 120 फुट तो होगा ये रोड।
क्योंकि हमने दूसरी साइड पे जाना, एक गेट इन्होंने बंद किया हुआ है। मैं टर्न करके अपनी वाली साइड पे हो जाऊंगा, इधर वाला गेट इन्होंने क्लोज किया है, ये खुलेगा तब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा रहस्यां आ जाएंगी। अभी इनका जो ए और बी ब्लॉक है वहां पे पोजेशन है, वहां पे लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाकी जो है एरिया में अभी तक इन्होंने पोजेशन नहीं दिया। बहुत ही प्यारी कोऑपरेटिव जगह है, इसलिए इसका जो काम है वो स्लो हो रहा है। यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सोलर सिस्टम्स लगाए हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ए और बी ब्लॉक में इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने अलाउ की है, पोजेशन दिया हुआ है। ये बहुत प्यारा सा, मेन के ऊपर कमर्शियल नहीं है जी, मेन के ऊपर रेजिडेंशियल है, क्योंकि ये मेन के ऊपर ही बहुत प्यारा सा घर अभी दिया। देखिए मैं समझा था मेन पे कमर्शियल होगा, लेकिन नहीं, ये एक बंदे ने अपनी रियल एस्टेट बनाई हुई है उसने, और बहुत ही जबरदस्त ने इसका लोन छोड़ा हुआ है, जबरदस्त है जी। और ये देखें जी, चेक करें इस तरफ दोनों के ए और मेरे रोड के दोनों तरफ ए बी ब्लॉक चल रहे हैं अभी, ये चेक करें, बहुत जबरदस्त सिंगल स्टोरी। आप जहाँ यहाँ पे तो कोई यानी इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लोग जो है ना, लोगों ने सिर्फ चार दीवारी करके भी छोड़ा हुआ है, फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट थी शुरू में, यहाँ पे कनाल का प्लॉट कोई 50 लाख का मिल जाता था आराम से, अब तो काफी महंगे हो गए, लेकिन अभी भी जबरदस्त है। आप अपना प्राइवेट फार्म हाउस बना सकते हैं ऐसे एरिया में, जब तक यहाँ पे आबादी नहीं आती तब तक आप इसको फार्म हाउस की शक्ल में जो है ना इसको ले सकते हैं। बहुत है, ये देखिए जी, सुई गैस वालों का अपना जो अंदर कनेक्टेड पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अब ये सुई गैस की सुविधा, इसलिए इसमें गैस का भी बिल्कुल इशू नहीं होगा। गैस का दूसरी सोसाइटी को इशू होता है, क्योंकि ये इनकी अपनी सोसाइटी है। ये देखिए जी, ये कुछ बहुत सारी जो जगह है यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, आप इधर भी देख लें ये। और इसका ज्यादातर एरिया ए बी ब्लॉक को जब हम उधर से हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो बहरिया टाउन का सेक्टर एफ है उसके साथ कनेक्टेड है। इस तरफ जो है मेरे राइट की तरफ, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये बहरिया टाउन का एरिया है, यानी ये सोसाइटी बहुत ब्रांड जो बहरिया टाउन के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ ये एरिया चलता है। आप इसके बैक पे डी ब्लॉक, डी फॉर डॉक्टर ब्लॉक से अभी मैं गुजर रहा हूँ, इधर डेफिनेटली सी ब्लॉक होगा, क्योंकि सिर्फ डी ब्लॉक है, डी के बाद ई एफ है, और ई एफ जब ई एफ की तरफ जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही बहरिया के साथ लग जाते हैं। इस तरफ से भी बहरिया लग रहा है, बहरिया का कुछ एरिया इस तरफ से भी है, क्योंकि इधर है, और साथ ही जो सुई गैस जो है फेज टू जो है न्यू लाहौर सिटी के साथ भी थोड़ा सा बहरिया में के रोड क्रॉस करेंगे तो साथ ही न्यू लाहौर सिटी आ जाती है। ये चेक करें जी, ये मैं आईफिल टावर मुझे नजर आ रहा है यहां से, और ये हर ब्लॉक में इन्होंने वाटर टैंक बनाए हुए हैं, ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मेन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे हुए हैं मेन रोड के ऊपर, अंदर इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे कुछ ना कुछ पोल नजर आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये पैकेट, ये ब्लॉक एफ है, तो इस तरह ब्लॉक एफ आ गया तो ये ब्लॉक डी और वगैरह हो गया, तो ये साथ ही जो आपको आगे वॉल बाउंड्री नजर आ रही है ये है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन ने अभी एंटर होने लगे यहाँ से, ये देखिए जी, इसके बाउंड्री के साथ जो कनेक्टेड एरिया वो बहरिया टाउन का। इस तरफ बहरिया टाउन का बहुत बड़ा स्कूल है सामने जो दिखाई दे रहा है, और ये भी जो आपको हाउस बने नजर आ रहे हैं ना, ये भी बहरिया टाउन का एरिया है। तो मैं इस मेन के ऊपर आया था, अंदर नहीं मैंने गया, तो मेन के ऊपर मैंने आपको ये चीजें सारी शेयर कर दी है। ये चेक करें जी, आपको सुई गैस फेज टू इसकी लोकेशन में आपको एक दफा फिर बता दें। चलो अड्डा प्लॉट से आप आए तो आप शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के ऑपोजिट, बिल्कुल शरीफ जो जाति उमरा के ऑपोजिट जो है इसकी लोकेशन बनेगी उसके पास करके, और इधर से अगर आप आए तो न्यू लाहौर सिटी का ये जो आप क्रॉस कर रहे हो स्कूल, तो स्कूल से आप इस रोड के ऊपर आ जाए तो ये आप बिल्कुल सुई गैस टीपू सुल्तान यहाँ पे लगती है बहरिया टाउन का, तो इस तरफ ये स्कूल लग रहा है। तो आप अगर बहरिया टाउन से आना चाहते हैं तो आप इधर से आ सकते हैं, न्यू लाहौर सिटी से आना चाहते तो वो भी आप यही रोड इख्तियार करेंगे, बहुत लोग शॉर्टकट न्यू लाहौर सिटी जाने के लिए तो यही रास्ता इख्तियार करते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इंशाल्लाह इसी तरह किसी और आपको सोसाइटी का विजिट कराऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।